महामारी को देखते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं तमाम की गई है? देखिए, आपने देखा कि ये अति प्राचीन रामलीला कमेटी है और सैकड़ों वर्षों से यहाँ रावण दहन का प्रोग्राम होता रहा है। आज देख करके भी थोड़ा सा कष्ट हुआ कि कोरोना की वजह से लोग अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि सबको सुरक्षित रहने का था कि अपने को बचाना है, पूरे परिवार को और देश को बचाना है, और उसी के तहत इसका सब संपन्न किया गया है। तो इसके लिए मैं लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ, कुछ कष्ट भी हुआ लोगों को कि हम लोग अंदर नहीं आ पाए हैं, लेकिन कोरोना के चलते ये सब करना पड़ा है। फिर भी मैं जनता को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े धैर्य से हमारा साथ दिया और जिससे सफल प्रोग्राम संपन्न हो सका है। जनपदवासियों को क्या कहना चाहेंगे? आज पावन पर्व विजयदशमी के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने जनपद के सभी वासियों को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जनपद गाजीपुर के सभी लोग निरोगी रहें, समृद्ध रहें और सदैव अपने विकास पथ पर अग्रसर होते रहें। आज का यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई का और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। लोगों से प्रार्थना है कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के सत्कर्मों से और उनके जीवन आचरण से सीख लें और हमेशा अच्छे कार्य करें और बुराई पर अच्छाई का यह त्यौहार हमेशा हमेशा के लिए अच्छे से मनाएं और उनका परिवार और हमारा यह जनपद सदैव आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।